नाश्ता कर रहा बेचारा सुबह। हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? होप यू डूइंग वेल। सो गाइस, ये होने वाला है गुवाहाटी व्लॉग, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं सुकून के रास्ते। मतलब गुवाहाटी में है कामाख्या मंदिर, जिसके बारे में आप लोग ने बहुत ज़्यादा सुना होगा और देखा भी होगा। वहाँ एक अलग सा पावर होता है, अलग सा एक पॉजिटिव एनर्जी मिलता है, एक सुकून सा मिलता है। तो मैं पूरा वीडियो बनाऊंगी, सब कुछ बताऊंगी भी, तो स्टे ट्यून गाइज। कल हम लोग को सुबह 6 बजे निकलना है बाई रोड, बट अभी तक हम लोग ने कोई भी पैकिंग भी नहीं किया है, कुछ भी पैकिंग वैकिंग कुछ भी नहीं हुआ। मैं हमेशा लास्ट टाइम पे ना पैकिंग शुरू करती हूँ, रात में पैकिंग करती हूँ। मैं तो नहीं करती हूँ, मैं कितना भी पैक कर लूँ ना, सारा अनपैक कर देती है मेरी मम्मी और फिर से पैक करती है। तो मेरा पैक करने का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। स्टे ट्यून गाइज, आप मेरा ब्लॉग देखें और एटलीस्ट देखें कि वो जगह है कैसा, क्या रहस्य है, सब कुछ देखें। तो गाइज स्टे ट्यून, आपके लिए व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खास स्पेशल हो सकता है। तो लेट्स गो गाइज, सुबह में 6 बजे मिलते हैं। गाइज तो जाना था हम लोग को 6 बजे, बट अभी बज रहे हैं 9। मतलब ट्रैवलिंग करने का शौक इतना है लेकिन सुबह उठने का बिल्कुल नहीं है, सुबह उठने में मौत आता है। लेट्स गो गाइज, हम लोग बाई रोड जा रहे हैं मुजफ्फरपुर से गुवाहाटी के लिए। बहुत ही लॉन्ग जर्नी था। हम लोग एक नाइट स्टे करेंगे सिलीगुड़ी में, क्योंकि रात का ड्राइविंग सेफ नहीं होता है। यहाँ पे मेरा भाई, मम्मी, आंटी लोग सब बेर तोड़ रहे हैं। बताओ, आज शिवरात्रि और ये लोग बेर तोड़ रहे हैं। बस अब हम लोग थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं कामाख्या मंदिर, और ये रास्ते में हम लोग रुक के पता नहीं क्या खुराफात कर रहे हैं, पेड़ तोड़े। इतने सारे पेड़ हैं गाइस, देखो शिवरात्रि है, शिवरात्रि के दिन हम लोग इतने पेड़ तोड़े हैं। आंटी दिखाइए ना, अपना पेड़ दिखाइए ना गाइस, इतने सारे पेड़ हो गए, इतना सारा आंटी तोड़ी है। सबसे ज्यादा हम ही तोड़े, सबसे ज्यादा। मेरा भी मन हो रहा था तोड़ने का, तो मैं भी एक दो तोड़ ली हूँ मुश्किल से। फिर हम लोग निकल गए कामाख्या मंदिर के लिए, और सुबह से हम लोग भूखे हैं। मैं शिवरात्रि नहीं करती हूँ, लेकिन अब कैसे खाना खा लूँ बिना जल चढ़ाए, तो हम लोग एकदम भूखे हैं। और लेट्स गो गाइस, अभी मेरा मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचा है, 2 दिन से नहाए नहीं हम लोग और ट्रैवलिंग कर रहे थे। कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी बाई रोड जाने के लिए, ट्रेन से सबसे अच्छा राजधानी होता है, वही बेस्ट होता है। हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली कामाख्या मंदिर। खुशबू आ रहा है, मैं लगभग 10 साल की थी तब से आ रही हूँ यहाँ, लगभग 13 साल से मैं आ रही हूँ, 13-14 साल से। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था पढ़ाई के वजह से। और ये आवाज़ आप सुन रहे हो, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गई थी जानने के लिए, फिर पता चला यहाँ पे भैंस का बलि दिया जा रहा था। बाप रे, मेरे को तो बहुत डर लग रहा था ये सब सुन के, मेरे को बहुत डर लगता है, अच्छा नहीं लगता। और कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, मैं आगे से कोशिश कर रही थी दिखाने का, क्योंकि मेरे को बहुत शॉकिंग था और पहली बार मैं देखी थी, तो मेरे को बहुत अजीब लगा था, लेकिन मेरे को कैमरा ऑफ करने के लिए कह दिया गया। मैं कोशिश करी हूँ थोड़ा सा दिखाने का, मगर ये सब नहीं दिखाना चाहिए, मेरे को बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से और अच्छा भी नहीं लगता। किसी किसी का मन्नत होता है ना, तो वही मन्नत पूरा करने के लिए किसी का बलि दिया जाता है, बट ये सब भगवान नहीं बनाया, ये सब इंसान बनाया। मैं खुद इन सब चीज़ों के खिलाफ हूँ, फिर भी मैं नो कमेंट्स करूँगी, क्योंकि बिना जाने मेरे को नहीं बोलना चाहिए ये सब। और ये आपको सोने का गुंबद दिख रहा होगा, ये है मेन कामाख्या मंदिर। और हम लोग जा रहे हैं रूम पे, क्योंकि यहाँ पे होटल नहीं मिलता है, सिर्फ गेस्ट हाउस मिलता है। गाइस तो हम लोग पहुँच चुके हैं कामाख्या मंदिर अभी, और बहुत शाम हो चुकी है इसलिए सारा पट बंद हो चुका है, लेकिन आज है महाशिवरात्रि तो एटलीस्ट हम लोग जल तो चढ़ाएंगे ही और गन्ने का जूस भी चढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत मान्यता है गन्ने का जूस का। गन्ने का जूस शिवरात्रि के दिन एटलीस्ट चढ़ाना चाहिए हर किसी को। मेरा मुँह दिखाने के काबिल नहीं था इसलिए नहाने के बाद अभी जा रहे हैं, रेडी तो हो चुके हैं, फ्रेश हो चुके हैं हम लोग, अब चलेंगे जल चढ़ाएंगे। सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मैं शिवरात्रि नहीं करती हूँ लेकिन सुबह से कुछ भी खाए नहीं है, तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मेरे को जल चढ़ाने के बाद खाने का ही है। मेन एंट्रेंस गेट है आगे का कामाख्या मंदिर का। इतना शाम हो गया था, पट बंद हो चुका है, हम लोग को इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि हम लोग सोचे थे आज ही दर्शन कर लेंगे, लेकिन कोई नहीं, हम लोग जा रहे हैं, अब शिवरात्रि है आज तो जल चढ़ाने गन्ने के जूस के खोज में निकल पड़े हैं। ये है केदारेश्वर मंदिर, यहाँ पे कामाख्या मंदिर के ही पास में ही है।
बगल बगल में सारा मंदिर, दसो महाविद्या और केदारेश्वर, बहुत सारे भगवान जी, बहुत सारे, तो वो सारा पास पास में ही है। ये है केदारेश्वर मंदिर शिव जी का। बहुत मुश्किल से हम लोग को गन्ने का जूस तो मिला ही नहीं, बहुत दुख हुआ मेरे को इस बात का। मैं इतना सपना देखी थी गन्ने का जूस चढ़ाने का, नहीं मिला। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग चढ़ाने वाले हैं दूध नॉर्मल। इतना ढूंढ के दूध भी नहीं मिल रहा था क्योंकि शाम हो गया था ना, बहुत शाम में यहाँ सब कुछ बंद हो जाता है। फिर भी हम लोग लाइन में है। ये मेरी ब्यूटीफुल मम्मी एंड ये है मेरी ब्यूटीफुल आंटी, दोनों ब्यूटीफुल लेडी के बीच में मैं हूँ। गाइस, तो हम लोग का दर्शन हो चुका है, अब मिलते हैं कल सुबह कामाख्या मंदिर में। हाई गाइज, सो होप यू डूइंग वेल। सो गाइज, हम लोग इतना ज़्यादा जगह ट्रैवल करते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, राइट? कंफर्टेबल होकर जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी तरफ से ये हाईली 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 रिकमेंड है, ये जॉक का स्लीपर। ये इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है, इतना ज़्यादा कुशन है इसमें। यू कैन सी इसका कुशन, आपको दिख रहा होगा, बहुत सॉफ्ट कुशन है। स्लीपर हील्स वगैरह तो हर वेबसाइट पे मिल जाते हैं, लेकिन हम लोग प्रिफर करते हैं कंफर्टेबिलिटी। इस स्लीपर में काफ़ी कंफर्टेबिलिटी है, यू कैन सी इतना ज़्यादा कुशन। ये मुझे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल लगा, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगा मुझे ये स्लीपर। तो मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंड है, एटलीस्ट एक बार ये ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए। इसका पैटर्न बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, यू कैन सी और भी पैटर्न्स में ये अवेलेबल था। और इसके वेबसाइट मैं इंस्टाग्राम वेबसाइट डाल देती हूँ, यू कैन चेक आउट एंड गो एंड परचेज। और मेरा कूपन कोड YTAKSHITA12 लगाने पे आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। तो गो गाइज, चेक आउट। यू कैन सी गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था और ये बहुत ही रिलैक्सिंग एंड कम्फर्टेबल था। इसकी वेबसाइट लिंक, इंस्टाग्राम लिंक एंड यूट्यूब लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर। गो गाइज, चेक आउट। गाइस, तो हम लोग सुबह के 3 बजे उठे हैं और अभी 3:30 बज रहे हैं और लगभग 5 मिनट में रेडी हुए हैं, बहुत जल्दी रेडी हुए। अभी लाइन में जाना, अभी हल्ला हो रहा है कि लाइन में चलो, लाइन में चलो। अभी से इतना लंबा लाइन हो गया है क्योंकि सुबह सुबह ही 3 बजे से लाइन लगना चालू हो जाता है। और मैं दिखाती हूँ कि लाइन कहाँ से शुरू होता है। ये मीशो वाला ड्रेस पहना जो बहुत ही वायरल है। सबसे लेट मैं नहाई हूँ और सबसे पहले मैं रेडी हो गई हूँ। आई मम्मी लोग का अभी तक रेडी हो ही रही है। इतना ज़्यादा लंबा लाइन था, कोई कोई तो लाइन में घुस जा रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे ना, कुछ बोल नहीं सकते थे। लगभग हम लोग 2 घंटे यहाँ पे खड़े हुए हैं, सिर्फ 5 बजे से थोड़ा थोड़ा लाइन चलना चालू हुआ है, 2 घंटा सिर्फ खड़े रहे हैं और अभी तो बहुत टाइम लगने वाला है। यहाँ 365 डेज भीड़ रहता है, ऐसा एक सिंगल डे ना होता है जहाँ भीड़ ना हो। हम लोग पहले ये वाले एंट्रेंस से जाते थे लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ था। आप देख सकते हैं कितना लंबा लाइन है, 3 बजे उठने के बाद भी ये हाल है। यहाँ 365 डेज भीड़ इसलिए रहता है, यहाँ हर जगह लिखा हुआ है आई विटनेस मिरेकल। और हम लोग के साथ इतना मिरेकल हुआ ना, मैं बता भी नहीं सकती, बहुत ज़्यादा मिरेकल हुआ। यहाँ पे ये शिव जी का मंदिर है या नीचे है, ये हम लोग पहली बार देखे थे क्योंकि ये वाले रास्ते से हम लोग कभी गए नहीं थे। और ये भी हम लोग के साथ पहली बार हुआ, पहले कोई पर्ची वर्ची नहीं कटाता था, सीधे लाइन में लग के ही लंबा लंबा लाइन में जाते थे। लेकिन इस बार पर्ची कटाया, फ़ोटो खिंचाया है और पर्ची मिला है, तब जब जाके लंबा लंबा लाइन में हम लोग चले हैं। लेकिन इससे क्या हुआ, जो भी लाइन में बीच में घुस गए थे सब पीछे हो गए, हम लोग सबसे आगे ही हो गए। हम लोग का दर्शन बहुत जल्दी हो गया, किस्मत किस्मत का बात है। ये है मेन मंदिर, यहाँ पे जहाँ कबूतर है यहाँ पे हम लोग को गुफा में जाना है। कितने सारे बंदर थे, क्यूट क्यूट बंदर थे, देखो एक बंदर है। नाश्ता हो गया इसका? नाश्ता कर रहा बेचारा सुबह सुबह, हम भी नाश्ता नहीं किए अभी। मांग ले क्या? देर से वेट कर रहे हैं, लगभग हम लोग 3 घंटे से वेट कर रहे हैं, अभी 7 बजे पट खुलेगा। 6:30 से ज़्यादा हो रहा है, 7 बजे मंदिर खुलेगा और 7:30 बजे दर्शन होगा, एक्सपेक्ट टाइमिंग लिखा हुआ है यहाँ पर। को गाइज, यहाँ पे भैंस है, यहाँ फिर बलि के लिए तैयार किया हुआ, बेचारा को खिला पिला रहा है। और इतना ज़्यादा लंबा लाइन है, अपना अपना पर्ची निकाल लो हाथ में, अपना अपना पर्ची, चलो चलो गाइज चलते हैं।
बस अब हम लोग पहुंच गए हैं, दर्शन होने वाला है। मेन लाइन, लास्ट लाइन है ये, लास्ट लाइन। कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, 2100 फाइन था बाहर में और अंदर 5000 फाइन था। यहाँ लोगों की भक्ति आप देख सकते हैं, कितना खुशी से सब गाना गा रहे हैं भगवान जी का। बहुत अलग सा एनर्जी आता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आता है, एकदम पावरफुल फील होता है यहाँ पे। चलो मोबाइल ऑफ करने के लिए कहा गया। चूहा है। वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, और अच्छी बात भी नहीं है वीडियो बनाना, क्योंकि यहाँ पे फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ दिखाने का। मैंने यहाँ पे स्लो कर दी हूँ। यहाँ पे है ये मेन मंदिर और इसके अंदर एक अंधेरा सा गुफा है, वहाँ पे लाइट अलाउ नहीं, और वहीं पे पूजा होता है, मेन माता वहीं पे है। फाइनली हम लोग का दर्शन हो गया गाइस, हम लोग का दर्शन हो गया। सुबह सुबह इतना देर से लाइन में लगे हुए थे, दर्शन हो गया फाइनली। एक परिक्रमा कर रहे हैं हम लोग, वहाँ थे लाइन में, वहाँ थे, जूम नहीं होता है, वहाँ पे लाइन में थे। बाप रे, बाप रे, मैं डर गई ब्रो। तीन हुआ। कल तीन हुआ। यही है वो जगह जहाँ से हम लोग आए। अब हम लोग जा रहे हैं गणेश जी का मंदिर। हो गया एक परिक्रमा कंप्लीट। सबको पता है सती माता जो अग्नि में चली गई थी, फिर माता सती के प्रति भगवान शिव का जो मोह था वो भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपना इनविजिबल सुदर्शन चक्र चलाया था। तब माता का 51 भाग जो हुआ था उसमें से ये है एक माता का मख्या। यहाँ माता की योनि गिरी थी, इसलिए यहाँ का बहुत ज़्यादा मान्यता है। यहाँ आँखों देखी चमत्कार होता है, हर कोई यहाँ नहीं आ सकता है, भगवान जिसको चुनते हैं बस वही आ सकता है। अब हम लोग जा रहे हैं काली माँ का दर्शन करने। चलो गाइस चलते हैं। बाप रे, पूरे मेरे मुंह पे टीका लग गया है, पूरा नाक पे टीका लगा हुआ है, पूरा मेरे मुंह और नाक दोनों पे टीका। नहीं सिंदूर? हाँ वही सिंदूर, डिफरेंस है क्या दोनों में? मैं यहाँ जब भी आती हूँ मेरे मांग में सिंदूर लग जाता है। कितना सारा मेरे को डीएम आ गया, तुम्हारी शादी हो चुका है, तुम्हारी शादी हो चुका है, लेकिन ऐसा तो नहीं था। देखो गाइस, पिछले बार भी मेरे मांग में सिंदूर लग गया था। ये सब हर किसी के साथ नहीं होता, ये सब आशीर्वाद होता है भगवान का। ये फिर हम लोग आ गए हैं, यहाँ हम लोग आ गए हैं तारा माता के यहाँ दर्शन कर। नीचे भैरवी माँ का है ना, इमली का पेड़ है, काश तोड़ पाते। यहाँ भैरवी माता का है, ऐसे ही करते करते हम लोग 10 महाविद्या घूम लेंगे। जा रहे हैं आप धूमावती एंड क्या था, कछुआ तालाब। कछुआ तालाब, पहले बहुत कछुआ रहता था और मछली भी, अब नहीं रहता है। अब है भुवनेश्वरी मंदिर, मैं सारा नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। जा रहे भुवनेश्वरी टेम्पल, बहुत ज़्यादा थक गए भाई, बहुत ज़्यादा थक गए। हर जगह मेरे को बोल रहे थे कैमरा ऑफ करने, वैसे भी मैं अंदर लेके नहीं जाती, के बाद करना होता है कन्या पूजन। कन्या पूजन के बिना अधूरा है, तो मम्मी और आंटी कन्या पूजन पे बैठी थी, मेरे को लिटरली बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था। मैं जहाँ कंफर्टेबल हुई वहीं पे बैठ के बैठे बैठे सो गई। अब बहुत ज़्यादा भूख लगा था, मैं तो मीठा खाती नहीं हूँ, तो फिर हम लोग खाना खाकर सीधे निकल गए उमानंद भैरव। तो उमानंद भैरव यहाँ से थोड़ा दूर था कामाख्या मंदिर से, लेकिन हम लोग कभी नहीं गए थे उमानंद भैरव, इसलिए पहली बार जा रहे हैं। यहाँ पे भी टिकट कट रहा था, और टिकट लेकर हम लोग को स्टीमर से जाना है। यहाँ पे हम लोग पहली बार आए थे, हम लोग टिकट ले चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं स्टीमर पे बैठने। और बीचों बीच टापू है, वहीं पे उमानंद भैरव है, तो स्टीमर से होकर ही जाना पड़ता है उसके लिए। और यहाँ बहुत लोग फोटो शूट कर रहे थे, हम लोग नहीं कर रहे यार, थोड़ा अजीब लग रहा था, मेरे को पानी से बहुत डर लगता है, तो फोटोशूट तो नहीं कर पाए हम लोग। और यहाँ पे ये जो टापू दिख रहा है, एकदम बीचों बीच टापू था, ये टापू पे हम लोग गए उमानंद भैरव, यहीं पे मंदिर था उनका, इतना ज़्यादा खूबसूरत है।
पता ना यहाँ से वहाँ जाता है। यहाँ भी बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत लंबा लाइन था। कुछ खाने को मिल रहा है क्या? सिर्फ खाना। और ये है उमानंद भैरव मंदिर, यहीं पे अंदर में बहुत लंबा लाइन था, बहुत ज़्यादा लंबा लाइन। और हम लोग जो अभी नदी से आए हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी था, यहाँ से दिख रहा होगा। और कितना छोटा सा टापू दिख रहा था ना, देख सकते हैं आप कितना बड़ा टापू है। और ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, पहला ऐसा रिवर है जो कि मेल है, बाकी सारे रिवर फीमेल होते हैं। गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ना हो सकता था मैं कोशिश करी हूँ दिखाने का। गाइस तो व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो बाय गाइस, लव यू।